गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं आप लोगों को लेके चलूंगी जो भी मैं आज करने वाली हूँ अपने पूरे दिन में, जो मैं करती हूँ उस रूटीन को दिखाऊंगी। सो टुडे आई विल टेक यू विद मी वेयर एवर आई गो, वट एवर आई डू इन अ डे। सो यू विल गेट टू नो वट आई यूज टू डू बेसिकली इन अ डे ऑन डेली बेसिस, वट माई वर्क इज और वट माई डेली रूटीन इज। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 6। आई वेक अप टूडे अराउंड 5:30 बिकॉज मुझे अभी एक शूट करना था। फर्स्टली वट आई डू इन अ डे, दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो एंड आई विल बी शोइंग यू शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स ऑफ द थिंग्स आई डू इन अ डे। सो या लेट अस सी वट आई डू इन अ डे। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और 6 बज रहे हैं अभी। आई जस्ट वॉश्ड माई फेस। Now I'm gonna do a shoot right away before 7 PM क्योंकि 7 बजे के बाद I have to get ready to go to my hospital. So I just finished my shoot for it. I have to get ready like a decent person. सो नाउ इट्स टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से पहले मैं कुछ अच्छा और हेल्दी और फुल फील करने टाइप का कुछ खाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ऑलमोस्ट 2 बजे तक हम लोग को राउंड्स पे ही रहना पड़ता है। तो इट्स लाइक कि 9 बजे से लेके 2 बजे तक 10, 11, 12, 1, 2 मतलब 5 घंटा हमें कंटिन्यू वॉक करना पड़ता है वहाँ पे। सो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बनाना अभी कंज्यूम करूँगी और इसके साथ साथ मैं लूंगी ब्राउन ब्रेड एंड पीनट बटर और मैं अपने टिफिन में लंच वाला बैग रखा है जिसमें मैं लेके जाऊंगी एक बनाना क्योंकि बनाना अगेन इट्स लाइक रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, ऑल्सो इट प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ एनर्जी एज इट हैज शुगर इन इट। तो आपको काफ़ी अच्छा एनर्जी भी मिलता है अगर आपको कभी भी लो इन एनर्जी फील हो तो डेफिनेटली हैव वन बनाना और हाफ बनाना, इट विल बूस्ट योर एनर्जी एंड इट विल गिव यू लाइक एक्टिवनेस। तो इसलिए एंड देन आई विल हैव ब्लैक कॉफी भी लूंगी मैं किचन में जाके बना के। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आई एम ईटिंग लाइक दिस बाय कटिंग द बनाना बिकॉज एज आई एम हैविंग द ब्रेसेस आई कांट लाइक कट डायरेक्टली। So I'm eating like this. Now I will have brown bread. एज पर द भूख, ऐसा नहीं कि मुझे दो ही खाना है, चार ही खाना है, मुझे इतनी भूख लगेगी और जितना मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इतने में पेट भरना है और भर गया है और विल स्टॉप राइट देयर क्योंकि वही चीज सबको भरना चाहिए, कभी भी ओवर नहीं करना है। ठीक है, पेट भर रहा है उससे थोड़े से पहले ही रुक जाओ कि आपको अच्छा फील हो, लाइट फील हो, क्योंकि आपको ऑफकोर्स वहाँ पे बैठना तो नहीं है, वहाँ पे आपको वॉक ही करना है, वर्क ही करना है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी तो चाहिए ही। सो जितना भी खाऊंगी आई कैन बेट यू गाइस कैलोरी सारी बर्न हो जा रही 5 घंटे में। सो दिस इज द क्विक ऑप्शन फॉर द पीपल हु गो आउट, जिनके पास डाइट फॉलो करने का टाइम नहीं है, जस्ट हैव एनी वन फ्रूट और एल्स यू कैन मेक वन स्मूदी। स्मूदी का भी मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी जो कि मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी, दैट इज वेरी इजी थिंग और वो सब एक पूरा मील हो जाता है, वो जो स्मूदी वाला ऑप्शन होता है वो मैं अगले दिन बनाऊंगी। तो लाइक एट संडेज आई हैव दिस पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड एंड वन फ्रूट, लाइक मेजोरिटी इट्स बनाना एंड संडेज आई विल हैव दैट शेक ऑफ ओट्स, बनाना, नट, मिल्क और वाटर, एनीथिंग, लिटिल बिट ऑफ पीनट बटर इन दैट सो दैट इट विल गिव अ स्वीट टेस्ट डेट शेक स्मूदी। येस्टरडे वाज माय फर्स्ट डे
एंड यस्टरडे वाज माय फास्टिंग डे एज वेल. सो आई वेंट वेरी अर्ली एंड इन हरी एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू हैव माय ब्रेकफास्ट यस्टरडे एंड आई वाज टोटली एग्जॉस्टेड. दैट वाज दैट यू कैन क्लियरली सी इन माय पिक्चर्स. बट आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड बिकॉज आई वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. आई वॉज जस्ट एम्प्टी स्टमक एंड वॉकिंग ऑल ओवर द वार्ड्स एंड मीटिंग पेशेंट्स. एंड एज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑल यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एवरीथिंग अबाउट. तो सब चीज के लिए अलर्ट रहने के लिए यू हैव टू गो एवरीवेयर. खुद से जाके रहना होता है पूरा. यहाँ पे कपल्स ऑफ पिजन्स हमेशा बैठते रहते मेरे बगल में. आई डोंट इवन नो कि यहाँ सिंगल रहते हैं. सिंगल बंदा रहता है यहाँ पे. कपल्स लोग एकदम गुटर गु चलता है. मैं कुछ शो यू तीन तीन आ गया. तो यहाँ पे हमेशा ये जो पिजन्स है ना मेरे को देखने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ ही जाते हैं. कपल्स में बैठे दो चले गए पीछे. तो यस ये कुछ कहानी है इन लोगों की रोज सुबह की. सो दे काइंड ऑफ डू माई टेलीविजन वाला पार्ट दे डू क्योंकि आई डोंट हैव टेलीविजन हियर. टीवी हियर ऑल्दो आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. जनरली घर पे भी टीवी था ना तो भी मैं टीवी नहीं देखती थी. आई यूज टू वर्क ऑन माई फोन ओनली. पूरा टाइम उसी में निकल जाता था. इवन आई डोंट हैव द टाइम टू वॉच नेटफ्लिक्स और एनी वेब सीरीज और एनीथिंग लाइक दैट. People do manage to watch web series and all, but I don't think मुझसे manage हो पाएगा ये मेरे इतने सारे hectic schedule के साथ. Okay, so अभी मुझे क्या करना है, खाना है. अगर एक बहुत important काम है. So I will be finishing my bread very soon, and then I will meet you. तो मैंने अभी ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खाया एंड आई नोटिस कि तीन ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर मेरा पेट भर गया था. So I just stop right there and one banana and my plate is like this empty done. अब मुझे भूख नहीं लगी है. So I will prepare my lunch. तो lunch में मैं लेके जा रही हूँ 2 bananas as you guys can see. अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ट्रिक मैं क्या कर रही हूँ कि ओपन सर्फेस से ये ब्लैक हो जाता है. तो I just had tissue को रैप कर दिया आजू बाजू एंड दिस इज द क्यूट लंच टिफिन बॉक्स बैग. सॉरी इसमें मैंने अपना कुछ सामान दिख रहा है ना आपको. नोट पैड टू जस्ट नोट डाउन एनीथिंग वाइल्ड राउंड पेशेंट्स के बारे में. एंड हियर आई एम हैविंग वाइप्स टू वाइप माय हैंड्स एंड फेस बीच बीच में एंड वन हैंकी. ठीक है बड़ा सा टॉवल है ये और पानी का बॉटल छोटू सा रखा है मैंने. ठीक है वो अभी मैं शो नहीं करूंगी आप लोगों क्योंकि मुझे चेंज करना है उसको. तो यस ये टिश्यू लिया उसके मुंह में ऐसे रैप कर दिया हो गया काम. दो बनाना रख रही हूँ गाइस मैं क्योंकि बनाना इज समथिंग दैट कैन प्रोवाइड यू इंस्टेंट एनर्जी. ओके लाइक दैट इट्स डन. और हाँ आप लोग सोचोगे इतना ही खा लीजिए लंच में ना हो गाइस. हमारे हॉस्पिटल में ना लंच प्रोवाइड होता है. ठीक है तो वी आर गोना हैव लंच फ्रॉम दैट कैंटीन ओनली. थैंक गॉड आज बारिश नहीं हो रही है. बार बार मुझे अच्छा लग रहा है फील अच्छा आ रहा है बारिश नहीं हो रही है. तो यस इट्स डन. अब मैं ये रख देती हूँ किचन में जाकी एंड देन आई विल मीट यू. बाय बाय. ओके गाइस सो फाइनली आई एम रेडी ऑल सेट एंड इट्स टाइम 8:20. इट्स 8:22. सो अब 8:30 में मैंने एक ऑटो वाले अंकल को कॉल करना था. तो उनका नंबर मुझे कल ही मिला था. कल जिनके ऑटो में बैठी थी वो देवर उनने बताया कि बहुत अच्छे से इजीली उन्होंने मुझे कल पहुंचा दिया था. सो आई टुक तो मैंने उनका नंबर लिया. आई टुक हिज नंबर एंड ही टोल्ड मी कि एवरी डे यू कैन कॉल मी वेन एवर यू डोंट गेट द ऑटो एंड ऑल. सो आई व्हाट आई डिड आई कॉल्ड हिम और उनको बोला कि 8:30 तक आ जाओ नीचे आके मुझे कॉल करो एंड देन वी विल गो टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का टाइम में 9 से 9 बजे मुझे पहुंच जाना है वहां पे एंड तब स्टार्ट होगा वर्क. सो तब तक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो आउटफिट है वो कैसा है. आउटफिट में मैंने आज कुछ ज्यादा खास नहीं किया है. लाइक मैंने एक कुर्ती पहनी है तो
हमें ये फिर मत जाना। कुर्ती पहनी है जो कि इतने स्लीव्स की है, लेंथ बहुत लंबा है इस कुर्ती का, एंड ऊपर से मेरा वाइट एप्रन एंड माय आईडी कार्ड, एंड हियर इज द जीन्स जो कि रिप्ड है, बट आई एम गोना कवर इट ऑल द डे। बस आज कैसे भी 5 बज जाए। कल मैं गई थी ना, तो कल मैं सोच रही यार 5 कब बजेगा, मैं कब यहाँ से मतलब घर जाकर सबको बताऊंगी माय एक्सपीरियंस। मतलब मेरे को घर इसलिए जाना था कि मुझे शेयर करना था कि हाउ आई एम फीलिंग। आई वाज सो एक्साइटेड, आई वांटेड टू शेयर दिस फीलिंग विद यू गाइस, सो दैट्स व्हाई। बट जब मैं घर आई तो आई हैड सॉरी इतना सारा काम कि मैं उसमें लग गई। काम खत्म होते होते 9 बजे, 9 बजे मैंने खाना खाया, घर मैं तो 7 बजे मैं घर पहुंची थी, और 8 बजे मैं उसके बाद 9 बजे मैंने खाना खाया, डिनर किया 9 बजे, इतना लेट, और मैंने बहुत ज्यादा खाया। एंड देन उसके बाद आई स्लेप्ट अराउंड 1 बजे, रात के 1 बजे सोई हूँ। सबको एक्सपीरियंस शेयर करते करते, अपना लाइक पोस्ट शेयर करते करते, और फिर मैंने कंटेंट राइट किए कि मुझे क्या क्या कंटेंट बनाने या क्या नहीं बनाने हैं आज के दिन। आज के दिन से मैं जो जो काम करने हैं वो मैंने टू डू लिस्ट किया है, और सुबह से मैं आई एम जस्ट शूटिंग। 5 बजे उठी हूँ, 1 बजे रात को सो के, सो यू गाइस कैन इमेजिन कि मेरा बहुत बॉडी पेन हो रहा है। वो जो 3 दिन मैंने जिम ज्वाइन किया था, मैंने बहुत इंटेंस वर्कआउट कर लिया था, उसका इफेक्ट अभी भी है। सो यस माय बैग इज देयर राइट देयर, आपको दिख रहा है येलो येलो बैग, वो मैं लेके जाती हूँ। अभी मुझे अपना बैग चेंज करना है क्योंकि हमें एक फोल्डर कैरी करना होता है, उसमें हम बहुत सारे पेपर्स कैरी करते हैं एवरी डे वेन एवर वी गो ऑन राउंड, तो उसके लिए। नीचे ऑटो वाले अंकल कॉल आए थे तो नीचे वेट करो, तो अभी 8:30 के अराउंड में निकलूंगी, तो 9 o'clock के अराउंड में पहुंच जाऊंगी। अभी मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने एक बनाना खाया जिसका अभी 2 पीस रखा मैंने ब्रेड के साथ डालने के लिए, और अभी एक ब्राउन ब्रेड लिया है जिसमें मैंने थोड़ा पीनट बटर लगाया, अभी मैं यही खाऊंगी। एंड देन इसके बाद सॉरी इसके बाद मैं थोड़ा सा पूजा करूंगी भगवान का, एंड देन उसके बाद मैं रेस्ट करके अपनी वीडियोज को एडिट करूंगी। गाइस रात हो गई है अब एकदम, अब 11 बज रहा है, और अभी मैंने लेट अपना डिनर कम्प्लीट किया है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए तैयारी करने, सो आई एम गोइंग टू माय बेडरूम एंड आई एम गोइंग टू टेक यू विद मी। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है रूम में, जो कि अभी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। क्यों ऐसी हरकतें करती मुझे समझ नहीं आती है। रात को पर्सनल डांस था ये आपका? ये कैसा डांस है बेटा? व्हाट इज दिस? यू आर जस्ट वॉकिंग? गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ वॉक इज दिस। ओहो, यू आर अ फुल टू कार्टून नेटवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप एंड टुडे खुशी इज स्लीपिंग विद मी, है ना खुशी? दिस इज द फर्स्ट टाइम खुशी इज स्लीपिंग अलोन with me, not with her mama and daddy. Parents. So she is gonna sleep with me today. We are gonna like party tonight, right?
Yes. We will enjoy, and like that, we are gonna have our this night. So, I hope आप लोगों ने आज का vlog enjoy किया होगा. And if you guys did, you know the drill. What is that? Like, subscribe, and share. So yeah, guys, I hope you enjoyed. Bye. See you. Good if night. If you like my dance, then okay. Subscribe and okay, like. Okay. Good night, guys. आप लोग भी सो जाओ. मैं भी सो जाती हूँ खुशी के साथ. मुंची दो. Okay, खूनी मौसी. जो आज भी चॉकलेट का खून की थी मुझे उन्हें ब्राउनी खाया था आज. चलो गुड नाइट बाय. मेरे बिना आपने ब्राउनी खा